हेलो एवरीवन, धमर्तिका शो में स्वागत है आपका। और एकदम चटपटा क्रिस्पी सा मेरा मुंह हो चुका है क्योंकि मैंने अभी अभी खाई है उड़द की दाल की पपड़ी, जो कि बनी है एकदम शानदार अल्टीमेट एक स्पेशल मसाले के साथ, तो जिसे बनाया है मिसेस पुष्पा तनेजा ने। आइए जानते हैं कि वो पपड़ी यहाँ पर अब कैसे बनाएंगी। रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच। धमर्तिका, ये उड़द की दाल का आटा है, ये मैं 2 चम्मच उड़द की दाल का आटा ले रही हूँ। ये सर्दियों में बहुत फायदेमंद रहती है। और ये ले रही हूँ मैं बेसन। अच्छा, 1 चम्मच हम ले रहे हैं इसमें बेसन। ठीक है। नमक स्वाद अनुसार, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ले रही हूँ और जीरा 1 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। ये लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पापड़ खार। इसको पापड़ खार को मैंने भिगो के रखा हुआ है, इसका मैं पानी ले रही हूँ 1 टीस्पून। ये पानी लेकर के हम इसका एक डो तैयार करेंगे, इसमें मोइन वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। अच्छा। और अच्छे से इसका डो तैयार करने के बाद, जैसे कि हम पापड़ का जो आटा लगाते हैं तो उसमें जैसे लोच लगाते हैं वैसी लोच, उस तरीके से हाँ इसमें लोच लगानी है। और कम से कम आटे को आधे घंटे के लिए ढक के रख दें। अच्छा, ठीक है पुष्पा जी। तो आपने देखा कि हम यहाँ पे जो उड़द की पपड़ी बना रहे हैं उसमें प्रपोर्शन है 2:1 का है, यानी कि जितनी उड़द की दाल का आपको आटा लेना है उसका 1/2 आप बेसन ले लीजिए, फिर चाहे आप 250 ग्राम लीजिए, चाहे आप 1/2 kg लीजिए, बस उसका आधा हमको बेसन लेना है। तो वर्तिका, ये इस तरीके से डो तैयार हो जाएगा। इसको मैंने आधे घंटे पहले रखा था, तो अब इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ले करके और इसका जैसे कि हम पापड़ का लोच लगाते हैं इसी तरीके से इसका भी हमको लोच लगाना है। अच्छा, खूब अच्छे से, जैसे काफ़ी सारा है तो हथेली से मलमल के इसको अच्छे से लोच देके तैयार करना। हाँ, वर्तिका, इसका जो मैं एक पतला सा पापड़ बेल लेती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके उड़द की दाल का या बेसन कुछ भी आप लगा के इसका एक पतला सा पापड़ बेल लें। और बेल के कम इसको जो है अपने को 15-20 मिनट के लिए हवा में रखना है। तो वर्तिका, इस तरीके से मैंने बना के रखे हुए हैं क्योंकि 15 मिनट अपने को रखना है। देखने के ये थोड़े से सूख गए हैं, ये थोड़े से सूखने के बाद इसके हम लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटेंगे और फिर इसे हम पिक कर लेंगे जिससे कि ये फूले नहीं। और ऑयल गर्म हो चुका है, आइए इसको फ्राई करते हैं। अब 1/1 इसमें डालते जाएं। और झरसे से उलट पलट कर लें। ठीक है। और थोड़े से धीमी आंच पे तलें इनको। जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ठीक है। तो वर्तिका, मैं इसमें 1/4 टीस्पून तो ले रही हूँ लाल मिर्च, और आप देख लें कि आपके पास कितने हैं उसी हिसाब से इसका जो है एक मसाला बनेगा। और ये ले रही हूँ मैं साइट्रिक एसिड, उससे आधा साइट्रिक एसिड। ये लेने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और बेलन से एक पाउडर फॉर्म में बना लें। अब ये मसाला जो है हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें जो ये मसाला डाला है साइट्रिक एसिड, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा खट्टा लगेगा ये। ठीक है, ये अच्छे से डाल दें। ये देख रहे हैं कि एकदम आवाज़ आ रही है, खनक रहे हैं ये। ये अच्छे से मसाला डाल के अब इसको आप डिब्बे में टाइट, ठंडे हो जाएँ तो इसको एयर टाइट डिब्बे में अंदर भर दें या कोई थैली में पैक कर दें। ठीक है पुष्पा जी। तो ये उड़द की दाल की पपड़ी, और आपको देखिए देखने में कितनी खूबसूरत है। लेकिन आप एक बात देखिए कि इस तरीके की चीज़ें बाजार में भी मिलती हैं, लेकिन घर में बनाना इसको कितना आसान है और काफ़ी क्रिस्पी है। जैसा कि पुष्पा जी ने अभी आपको बताया था, किसी के साथ बैठिएगा और उसका मज़ा लीजिएगा। कुछ बातों का ध्यान रखें और बनाएं।